कैबिनेट ने गृह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रदेश में कंटेनमेंट जोन से बाहर 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की अनुमति दी गई है। इस निर्णय के अनुसार शैक्षणिक संस्थान 50% शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों के साथ 21 सितंबर से खुल गए हैं, लेकिन इसके लिए छात्रों के माता पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति अनिवार्य है। वहीं राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल मंडी की बात की जाए तो स्कूल में एक भी विद्यार्थी उपस्थित नहीं हुआ। वहीं अगर SPM स्कूल मंडी ने भी कोरोना के तहत जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए स्कूल में बच्चों के लिए सामाजिक दूरी का पालन और सैनिटाइज करने के बाद स्कूल परिसर में कक्षाओं में प्रवेश देने की उचित व्यवस्था की गई है, लेकिन कोई भी विद्यार्थी अभी तक स्कूल नहीं पहुंचा है। आपको बता दें कि शैक्षणिक संस्थान 50% शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों के साथ खुल गए हैं, लेकिन इसके लिए छात्रों के माता पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति अनिवार्य है। इसके बाद ही विद्यार्थी स्कूल में उपस्थित हो सकते हैं तथा कोरोना के तहत बनाए गए दिशा निर्देशों का पालन करना भी जरूरी है ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। वहीं 50% शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों के साथ स्कूल तो खोल दिए गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से खौफ खा रहे हैं। मैं अशोक ठाकुर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल मंडी का उप प्रधानाचार्य के तौर पर यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आज विद्यालय में आदेश जैसे कि हुए हैं तो जो विद्यार्थी हैं वो परामर्श के लिए आ सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी विद्यार्थी यहाँ नहीं आया है। हाँ, कुछ एक बच्चों के माता पिता ज़रूर विद्यालय में आए हैं पता करने के लिए कि विद्यार्थियों को उनके बच्चों को कब उन्होंने भेजना है, तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही कुछ ही दिनों में विद्यार्थी भी थोड़ा बहुत आने परामर्श के लिए यहाँ पे आना शुरू कर देंगे। इसके लिए हमने एक सहमति पत्र बनाया है और वो हम माता पिता को दे रहे हैं। जिस दिन भी बच्चा पढ़ने के लिए आएगा या परामर्श के लिए हमारे पास आएगा तो उस दिन वो जो सहमति पत्र है वो उसको जमा करवाना होगा। ये अनिवार्य है, सरकार की तरफ से ऐसे आदेश हुए हैं कि माता पिता की जब रजामंदी होगी, जब सहमति होगी, तभी बच्चा विद्यालय में आएगा। तो इसके लिए कोई निश्चित समय भी नहीं है, बच्चा अपने हिसाब से चाहे तो 10 बजे भी आ सकता है, 11 बजे भी आ सकता है, दोपहर में भी वो आ सकता है। हाँ, ये मैं ज़रूर आह्वान बच्चों से करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जब भी वो विद्यालय में आते हैं तो रास्ते में जहाँ तक हो सके तो दूसरे लोगों से व्यक्तिगत संपर्क कम से कम रखें। ये कोरोना को हमने हराना है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत ज़्यादा इससे एहतियात बरतें और कोशिश करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बच्चे अपनी जेब में एक हैंड सैनिटाइज़र की बॉटल भी ज़रूर रखें, छोटी सी बॉटल आजकल आ रही है, सरकार ने उसकी जो कीमतें हैं वो भी तय कर दी हैं। तो 25 रुपये का भी मैं देख रहा था कि 50 ml का हैंड सैनिटाइज़र की बॉटल आ रही है, तो अच्छी बात है वो अपने साथ बच्चा लाए, बार बार अपने हाथों को उससे सैनिटाइज करता रहे। ये ज़रूरी है, हमने कोरोना से लड़ना भी है और जीवन में आगे बढ़ना भी है, तो हम कोशिश कर रहे हैं। हम आज अध्यापक पूरे जोश के साथ विद्यालय में आए हैं, जो आधा स्टाफ आज आया है, आधा अगले कल आएगा, इस तरह से जो है विभाग के आदेश जैसे हमें जारी हुए हैं तो हम पूरी तरह से तत्पर हैं और बच्चों के लिए यहाँ पे समर्पित हैं। हम चाहते हैं कि विद्यार्थी आएँ, जो उनके डाउट्स हैं उनको क्लियर करें, क्योंकि कुछ एक सब्जेक्ट्स में जैसे स्पेशली मैथमेटिक्स में है, अकाउंटेंसी में है, फिजिक्स में है, इस तरह के सब्जेक्ट्स में बच्चों को कुछ एक डाउट्स ज़्यादा होते हैं जो टेलीफोन पर क्लियर नहीं हो सकते, तो इसके लिए बच्चों का स्वागत है, वो विद्यालय में आएं। लेकिन आने के साथ साथ हमें एहतियात बरतने की बेहद आवश्यकता है। हम जो बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथ जो है बार बार सैनिटाइज करते रहें, और साथ में जो प्रारूप आपको दिया गया है जिसमें आपने अपने माता पिता की सहमति लानी है वो आवश्यक है, उसके बिना हम जो है वो बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। इसे आवश्यक समझा जाए, जो सहमति पत्र है वो आवश्यक रूप से आपको विद्यालय में लाना पड़ेगा, और बीच बीच में जब भी आपको कोई परामर्श की आवश्यकता महसूस होती है आप विद्यालय में आ सकते हैं। आपका विद्यालय में स्वागत। नमस्कार, मैं शालिनी ठाकुर फ्रॉम SPM सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी महाजन बाजार।
एंड मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आज से स्कूल जो है हमारे वो खुल गए हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस जो हैं कि 50% स्टाफ जो है वो अवेलेबल है स्कूल में. एंड आज तो ऐसा है कि बच्चे नहीं आ पाए हैं, जो गाइडेंस है उस जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस है कि गाइडेंस लेने के लिए जो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड होगा बच्चे आएंगे तो वो तो नहीं आ पाए हैं. लेकिन फर्दर अगर आगे आने वाले 30 सितंबर तक जो है वो अगर बच्चे आएंगे तो यहाँ पे जो भी हैं जिस भी टीचर से उनको गाइडलाइंस चाहिए होगी वो टीचर यहाँ पे अवेलेबल होगा. मान लो आपके पास 10 से 15 बच्चे आ जाते हैं तो स्कूल के क्या आप कैसे बच्चों को बिठाएंगे, किस तरह से वो करेंगे? मैम एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे जो है वो प्रॉपर जो है खुले रूम्स हैं, प्रॉपर स्पेस है बच्चों को बिठाने के लिए. तो डेस्क भी अवेलेबल है प्रॉपर. तो हम क्या करेंगे कि उनको एक एक डेस्क बीच में छोड़कर उनको बिठा सकते हैं प्रॉपर अगर 15 to 20 आ जाएंगे, या फिर अलग रूम्स हैं उनमें हम लोग कर सकते हैं 10 बच्चे एक रूम में बिठा दिए, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के अकॉर्डिंग जितना हमसे जितना यहाँ पे अवेलेबल है अपनी तरफ से पूरा, और 10 बच्चे दूसरे रूम में ये भी कर सकते हैं जितना हो पाएगा सोशल डिस्टेंसिंग के अकॉर्डिंग.